आगे बढ़ते हैं। देखिए, चुनावी राज्य बंगाल के नतीजे कल आएंगे, लेकिन यहां 18 से 44 साल के लोगों को अभी वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब और बिहार में भी नौजवान वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात में हालांकि आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन डोज कम मिलने की वजह से रफ्तार 15 मई के बाद ही पकड़ पाएगा। मई की शुरुआत डर और खौफ के मंजर से हुई है। आने वाले दिन और भयंकर होने वाले हैं। अस्पतालों से लेकर शमशान तक बस आंसू ही आंसू है। हर तरफ चीख पुकार है और सिस्टम की बदहाली से रोते विलखते लोग हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि ये सिलसिला कब टूटेगा। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि कोरोना का खतरनाक दौर अभी आना बाकी है। अगले 3 हफ्ते के लिए हर भारतवासी अपने को अपने घर के अंदर बंद कर ले, इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, पार्शियल कर्फ्यू, ये सब चीजें कोशिश हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी 4 लाख पर डे डिटेक्टेड केसेस हैं, एक्चुअल केसेस इससे कहीं ज्यादा है। सख्ती से हारेगा यमराज। 3 हफ्ते घरों में कैद हो जाओ। मौत की सुनामी थामने की ताकत सिस्टम में नहीं, कोरोना की सुनामी जैसे चल रही है उसमें एक ही रास्ता है कि यमराज बनकर हमारे आसपास घूम रहे कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि आप 3 हफ्तों के लिए घरों में कैद हो जाएं, बिना मास्क के भूले से भी कदम घर से बाहर नहीं निकाले और साप्ताहिक बाजारों से तौबा कर ले। लेकिन एक चीज याद रखें कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन वैक्सीन के लिए जंग छिड़ी हुई है। गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर वैक्सीन नहीं देने का ठीकरा फोड़ रही हैं। बंगाल में बीते दिनों आई रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। कोलकाता में संक्रमण की दर 50% के ऊपर है, लेकिन ममता दीदी की सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं कर पा रही। बंगाल सरकार का कहना है कि उसे 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण तभी शुरू होगा जब उसे वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। लेकिन यह लापरवाही बंगाल पर बहुत भारी पड़ने वाला है। बंगाल में बीते 24 घंटे में 13,932 केस आए हैं और 96 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़े भले कम लग रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि बंगाल की हालत बेहद खस्ता है। बंगाल के पास अभी 2,59,579 वैक्सीन की डोज है, जबकि 18 से 44 साल के 9,78,71,000 लोगों को वैक्सीन लगानी है। जाहिर है सरकार को जल्द से जल्द युवाओं के लिए वैक्सीन बंगाल में शुरू करनी चाहिए। आज यानी कि 1 मई से देश में जहां अलग अलग हिस्सों में फेज 3 के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसी भी अस्पताल में, चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, यहां पर 18 से 44 ईयर ओल्ड के लिए जो फेज 3 का वैक्सीनेशन है वो शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उनके पास वैक्सीन के स्टॉक नहीं है फेज 3 के वैक्सीनेशन के लिए। साथ ही ये भी कहना है उनका कि आखिरकार कब स्टॉक आएंगे और कब वैक्सीनेशन शुरू होगा उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। बिहार में कोरोना की सुनामी चल रही है। उखड़ती सांसों को रोकने में नाकाम अस्पतालों में लोग तोड़फोड़ कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बिहार का कोरोना मीटर तेजी से भाग रहा है। जांच में कमी के बावजूद बीते 24 घंटे में 11,194 केस दर्ज हुए हैं, जबकि 80 लोगों को वायरस के आगे जान से हाथ धोना पड़ा है। राज्य सरकार का दावा है कि बिहार आने वाले प्रवासी मजदूरों का पहले कोरोना टेस्ट होगा, इसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया जाएगा। लेकिन फारबिसगंज की तस्वीरें बताती हैं कि लापरवाही चरम पर है और प्रवासी मजदूर कोरोना लेकर गांव-गांव पहुंच गए हैं। बिहार में 18 से 44 साल वालों में 12,23,41,000 का वैक्सीनेशन होना है। सरकार के पास सिर्फ 6,19,845 वैक्सीन के डोज हैं, लिहाजा अभी बिहार में इस ग्रुप का वैक्सीनेशन टाल दिया गया है। जो 45 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करना है और भारत सरकार ने उसका जिम्मा लिया है। 45 वर्ष से ऊपर वालों की संख्या जो है वो 30 करोड़ है, वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं पूरा। तो 18 से 45 वाले जो हैं, जिनकी संख्या जो है 60 करोड़ है, उनके लिए कहां से वैक्सीन आएगा। पंजाब ने भी 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन टालने का फैसला किया है। पंजाब में 18 से 44 साल के ऊपर के 3,02,00,000। और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। अस्पतालों में मरीजों से बदसलूकी पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
साफ साफ निर्देश दे दिया गया है, मरीजों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी अगर हुई तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। बीते दिनों आपने देखा था कहीं झड़प की तस्वीरें सामने आई थी अस्पताल प्रशासन कर्मचारियों और तीमारदारों के बीच में, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ साफ स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी तरह की बदसलूकी मरीजों के साथ स्वीकार्य नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने आ रही है। ऑक्सीजन संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश सामने आया है। सभी सीपी एडीजी आईजी डीआईजी और एसपी को सीएम का यह सख्त आदेश, ऑक्सीजन बनाने पहुंच रहे लोगों को परेशान ना किया जाए, ऑक्सीजन के लिए हर जरूरी मदद की जाए, जरूरतमंद के लिए आगे आए अधिकारी, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। नजर पड़ते ही खुद मदद के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे, ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जहां तहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के इस वक्त घूम रहे हैं और कोई भी शख्स जो ऑक्सीजन भराने के लिए पहुंचा है उन्हें परेशान ना किया जाए, बल्कि अगर आप देखें कि कोई ऑक्सीजन के लिए पहुंचा हुआ है कहीं पर तो उस हर जरूरतमंद की मदद के लिए अधिकारी खुद पहुंचे, यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। और वही एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, बता देते हैं आपको अहम खबर ये कि बत्रा अस्पताल ने अब कोर्ट को यह बताया है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट की है, जो कल ही ऑक्सीजन सप्लायर्स दिल्ली सरकार के अधिकारियों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों को मिलकर के बनाया गया है। उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला कि अभी हमें डिस्टर्ब ना करें। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। बत्रा अस्पताल ये कह रहा है कि व्हाट्सएप एक ग्रुप है जिसके ऊपर हमने ऑक्सीजन के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि बत्रा हॉस्पिटल के पास अब ऑक्सीजन खत्म है। उनका ये कहना है कि कल ही ये ग्रुप बनाया गया था, इसमें सप्लायर्स थे, दिल्ली सरकार के अधिकारी थे, अस्पतालों के प्रतिनिधि थे, इन सबको मिलाकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। जब उससे मदद मांगी गई बत्रा हॉस्पिटल की तरफ से तो रिस्पॉन्स में उन्हें कह दिया गया कि हमें परेशान न किया जाए।